Hello guys, this is Chetan Verma and you are watching my YouTube channel CSP Institute। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 2 कंटिन्यूएशन ऑफ गेम ऑफ लाइफ, जो कि पिछले पार्ट में मैंने आपको बताए थे उसके रूल्स, तो किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हम इस वीडियो में देखेंगे। सो ये मेरा विजुअल स्टूडियो आईडी है और इसके अंदर मैं आप सी लैंग्वेज के अंदर मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो गाइज आप मेरे को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए, हम साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। उसके साथ ही हम और भी जो प्रोग्रामिंग प्रिंसिप्स हैं और प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, बेसिक जो नेसेसिटी है एक अच्छे प्रोग्राम को डिज़ाइन करने की, वो भी हम इस प्रोग्राम में इस इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में सीखेंगे। ठीक है, तो ये केस स्टडी है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो प्लीज़ गाइज इसको अच्छे से देखिए, जो कि आप फर्दर वीडियोज़ में भी आप इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो सबसे पहले आप एक फाइल बनाइए live.c करके, live.c करके आप एक फाइल बना लीजिए और उसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को आप देखते रहिए और सुनते रहिए। #include मैं सबसे पहले जितनी भी फाइल्स हैं, हेडर फाइल्स हैं, उनको इंक्लूड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने common.h को इंक्लूड कर लिया। अब गाइज आप कहोगे कि भैया ये common.h क्या है, हमें तो पता भी नहीं है common.h के बारे में। सो गाइज common.h वो यूज़र डिफाइंड एक लाइब्रेरी है। हमारे पास में 2 टाइप की लाइब्रेरी होती है, एक तो यूज़र डिफाइंड लाइब्रेरी और एक बिल्ट इन लाइब्रेरी। यूज़र डिफाइंड लाइब्रेरी जिसको यूज़र खुद बनाता है, जैसे कि मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मैं खुद बना रहा हूँ मेरी खुद की अपनी लाइब्रेरी। सो उसके अंदर मेरे खुद के डिफाइंड फंक्शंस होंगे, डिफाइंड लाइब्रेरीज होंगी। तो आप देखिए मैंने इस common.h के अंदर जितने भी मेरे लाइब्रेरीज थे सबको इंक्लूड कर रखा है और इन सभी को मैंने common.h के अंदर सेव कर रखा है। और अगर अब मेरे को अगली बार किसी भी सी या कोई भी मेरे को पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर मेरे को इन लाइब्रेरीज की ज़रूरत होगी तो मेरे को सभी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक को common.h को वहाँ इंक्लूड करूँगा और ये सारी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं एक साथ में वहाँ पर आ जाएंगी। तो गाइज ये एक शॉर्टकट होता है आपका टाइम बचाने का, कि आप एक बार में रिपीटेशन काम करके अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप शॉर्ट ट्रिक्स अपनाएं। ठीक है, फिर बाद में अगली जो फाइल हेडर फाइल मैं इंक्लूड करूंगा वो करूंगा live.h को। तो गाइज live.h आप एक और फाइल यहाँ बना लीजिए। इसके अंदर हम जितने भी हमारे इस पूरे प्रोग्राम के अंदर जितने भी हम फंक्शंस यूज़ करेंगे वो सभी यहीं पे ही डिफाइन करेंगे live.h के अंदर। तो ये हमने 2 हमारी यूज़र डिफाइंड लाइब्रेरीज बना ली है। अब मेन फंक्शन, अब गाइज मैं सीधा पहले आपको बता देता हूँ कि मैं लिखने जा रहा हूँ स्टब ऑफ प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है उसका स्टब लिख रहा हूँ। तो आप कहोगे कि भैया स्टब होता क्या है। स्टब बेसिकली क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है पूरे प्रोग्राम का, उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हम धीरे धीरे बढ़ा रहे होंगे, लेकिन एक तरीके से उसका ढांचा बोल सकते हो आप, कि जैसे गाड़ी के अंदर चेसी होता है ना, फिर बाद में उसके ऊपर हम और सारी चीज़ें हम क्रिएट कर रहे होते हैं। तो वैसे ही एक ढांचा है, स्टब एक ढांचा होता है, फिर बाद में हम धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको बनाते रहते हैं, उसके ऊपर और सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो एक ढांचा बनाने के बाद में हमें आइडिया मिल जाता है कि कैसे हमारा प्रोग्राम काम करेगा। ठीक है, हमें एक लॉन्ग विजन मिल जाता है कि हमें बेसिकली करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक ढांचा बना लीजिए। यहाँ पर मैं कोई भी फंक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, live.c के अंदर कोई भी फंक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, मैं एब्स्ट्रैक्टली उनको यूज़ करूंगा। मैं एक बार सोच रहा हूँ कि वो बने हुए हैं, सारे जितने भी फंक्शंस हैं वो पहले से बने हुए हैं live.h के अंदर, मैं सिर्फ उनको इंक्लूड कर रहा हूँ। मेरे को उनके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के बारे में नहीं पता है। यहाँ इस live.c के अंदर मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं कुछ इनपुट दूंगा और वो पर्टिकुलर आउटपुट मेरे को उससे चाहिए होगा, ठीक है, तो मैं उनको डायरेक्टली कॉल करूंगा और उनसे आउटपुट ले रहा हूँगा। तो int main, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कोई भी प्रोग्राम उसका स्टार्टिंग इम्प्लीमेंटेशन मेन से ही स्टार्ट होता है। तो उसके अंदर मैंने 2 जो वेरिएबल्स हैं वो दिए हैं रो एंड कॉलम। ठीक है, तो साथ साथ में ही मैं डॉक्यूमेंटेशन करता जाता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन इम्पोर्टेंट है गाइस। डॉक्यूमेंटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मान लीजिए कि आपको 2 या 3 महीने बाद में इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को वापस देखना है, तो आपको पूरा प्रोग्राम समझने की, फिर से इसके लॉजिक समझने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ लीजिए, आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आ जाएगा, अगर आपने अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन लिखा है तो। अब ग्रिड मैप, अब आप गाइज कहोगे कि ये ग्रिड क्या है? ग्रिड नाम का तो कोई डेटा टाइप ही नहीं है, तो इसीलिए गाइज ये एरर भी दिखा रहा है। लेकिन मैं इसको life.h में एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बनाऊंगा, उस टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो क्योंकि मैंने बताया कि मेरा एक पूरा स्टब है, स्ट्रक्चर है एक तरीके से, तो यहाँ पर मैं उसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को नहीं डिफाइन कर रहा हूँ गाइज, लेकिन मैं इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को ज़रूर डिफाइन करूँगा, आई प्रॉमिस। सो इसके अंदर मैं ग्रिड मैप के बारे में लिख देता हूँ कि ये करंट जनरेशन के बारे में बता रहा है। जो करंट जनरेशन है उसके बारे में ये हमारा ग्रिड, पर्टिकुलर ग्रिड बता रहा होगा कि करंट जनरेशन के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस है। फिर ग्रिड न्यू मैप, तो ये है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो इसके अंदर है वो है नेक्स्ट जनरेशन। फिर है इनिशियलाइज, सो वी नीड टू इनिशियलाइज दिस पर्टिकुलर मैप, वी हैव टू सेंड इट इन दिस फंक्शन, इनिशियलाइज फंक्शन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज मैंने कॉल बाय वैल्यू, मैंने वैल्यू सेंड की है, इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया है बाय कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू के अंदर हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल की कॉपी पास कर रहे होते हैं गाइज, तो मैंने यहाँ पर भेज दिया है। और फिर बाद में टू इनिशियलाइज दी initialize the matrix, then जो भी डेटा हमने यूज़र से लिया है इनिशियलाइज फंक्शन के अंदर, यहाँ पर उसको हम प्रिंट कर देंगे और यूज़र से पूछेंगे कि क्या आपने जो इनपुट दिया है वो यही है, और फिर बाद में यहाँ पर हम उसको प्रिंट करेंगे। सो प्रिंट द डेटा प्रोवाइडेड बाय द यूज़र, यूज़र के द्वारा जो भी डेटा प्रोवाइड किया गया है उसको यहाँ पर हमने प्रिंट करवा दिया इस फंक्शन की मदद से। ठीक है, अगले फंक्शन, अगले बार हम पूछेंगे, प्रिंट ऑफ करेंगे, उसके अंदर हम देंगे कि दिस इज द इनिशियल कॉन्फिगरेशन यू हैव चूज़न, ये हम यूज़र को दिखाएंगे। ठीक है, कि आपने जो चूज़ किया है वो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ने ही यही है। ठीक है, अब चूँकि गाइज आपको पता ही है कि अगर हमें मल्टीपल लाइन कोड करना है, मल्टीपल लाइन अगर हमें कुछ प्रिंट आउट करना है तो उसका तरीका ये होता है, तो आप इसको फॉलो करते रहिए। तो यूज़र को हम बोल रहे हैं कि भैया अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप एंटर कर दीजिए। ठीक है, फिर जो यूज़र इनपुट देगा एंटर, तो उसके लिए मेरे को एंटर एक लिखना पड़ेगा ना, कि एंटर लिया यूज़र से हमने, तो उसके लिए मैं एक वाइल लूप लगा रहा हूँ। जैसे ही ये एंटर लेगा, जैसे ही इसके अंदर एंटर डालेंगे, ये पर्टिकुलर वाइल लूप से बाहर आ जाएगा जब तक आपने एंटर नहीं डाला है। एंटर बोले तो नेक्स्ट लाइन कोड, ओके, नेक्स्ट लाइन, जब तक एंटर नहीं डाला है तब तक ये इसी में लूप में रहेगा। सो टू टेक enter as an input from the user. Okay, then we have do means initially we will do this particular, then we will ask from the user कि हमें उसको रिपीट करना है नहीं करना है. तो हम दो लूप लगा रहे हैं, फोर लूप, एक तो रो के लिए और दूसरा कॉलम के लिए. तो सबसे पहले रो के लिए, अगर क्योंकि हमें ट्रैवर्स करना है हर एक पूरी मैट्रिक्स को वन बाय वन, उसके हर एक सेल को, तो हमें दो लूप लगाने पड़ेंगे, फोर लूप, लूप के अंदर लूप, नेस्टेड लूप बोल सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले रो के लिए गाइज आप एक बार ये जो एरर आ रहा है उसको नेगलेक्ट कीजिए, क्योंकि अभी तक मैंने इनके बारे में कुछ डेफिनेशन दी नहीं है, तो इसीलिए वो एरर वहाँ पर दिखा रहा है. लेकिन जैसे ही मैं उनको डिफाइन कर दूंगा, उनको इनिशियलाइज कर दूंगा, तो एरर गायब हो जाएगा एकदम से. फिर इसके अंदर मैं स्विच रख रहा हूँ, हर एक कंडीशन के ऊपर मैंने स्विच रखा है. तो स्विच के अंदर मैंने एक फंक्शन कॉल किया है नेबर. यहाँ पर मैं नेबर काउंट, हर एक सेल के लिए नेबर काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक सेल को मैं दो फोर लूप की मदद से ट्रैवर्स कर रहा हूँ. तो मैंने एक फंक्शन कॉल किया नेबर काउंट, और उसके अंदर मेरे को ऑफ कोर्स मेरे को भेजना पड़ेगा मैप, जो कि मैट्रिक्स है हमारी, वो पर्टिकुलर रो और कॉलम, उस मैप के अंदर हम किस पर्टिकुलर रो और कॉलम की बात कर रहे हैं, उसके नेबर कौन कौन है, ये हमें वो फंक्शन देगा. ठीक है, उसके नेबर कितने हैं, तो जो नंबर ऑफ काउंट ऑफ नेबर हैं वो इस फंक्शन से हमें मिल जाएगा. और स्विच कंडीशन की मदद से हम अलग अलग कंडीशंस को कॉल कर सकते हैं, जैसे कि अगर नेबर 0 हुआ, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ. और पहली बात तो लिख देता हूँ एक कमेंट कि इफ द नंबर ऑफ नेबर काउंट GHB काउंट इज 0, तो इस कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन में हम कुछ नहीं कर रहे होंगे. ठीक है, 0 के लिए हमें कुछ नहीं करना है. बेसिकली अगर कोई भी सेल, अगर वो अलाइव है और उसका नेबर अगर वो डेड है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो मर जाएगा, केस 1. तो इन दोनों के लिए, केस 0 हो या केस 1 हो, इन दोनों के लिए एक ही कंडीशन कॉल होगी. इसीलिए मैंने वो ब्रेक हटा दिया, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही अगर हम ब्रेक हटा देते हैं, तो जब तक ब्रेक, अगला ब्रेक नहीं आ जाता, तब तक सारी कंडीशन, जितने भी केसेस हैं, उस सारे केसेस हमारे एग्जीक्यूट होंगे. ठीक है, तो 1 के लिए फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ न्यू मैप डेड. तो ये हमारा हो गया जब नेबर 0 या 1 हो. अब अगले केस के लिए हम लिखेंगे कि केस 2. केस 2 वो है जहां पर नेबर 2 हैं. तो जहां नेबर 2 हैं, इफ, इसको कॉपी कर लेता हूं, बार बार में लिखना नहीं पड़ेगा कहीं. Neighbor count are 2, then we'll execute this condition. So what is the condition? New map. जो new map हमारा है, new map जो मैट्रिक्स है, उसके अंदर उस पर्टिकुलर रो और कॉलम जिसका भी नेबर इतने नेबर काउंट इतने हैं, तो वो पर्टिकुलर रो और कॉलम जो मैंने बताया था ना आपको कि अगर एक पर्टिकुलर सेल के आसपास में कितने नेबर हैं, उससे उसका जो नेक्स्ट जनरेशन में वो अलाइव होगी या डेड होगी वो कंडीशन डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, तो हम उसके अंदर जो का तो डाल देंगे, जैसी पिछली कंडीशन थी वैसी की वैसी ये कंडीशन होगी। ठीक है, जो पिछली जनरेशन जैसा वो पिछले जनरेशन में था ऐसा ही वो इस जनरेशन में भी होगा, अगर उसके केस नंबर ऑफ काउंट्स नेबर्स वो 2 हैं, एग्जैक्टली 2 हैं। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं ब्रेक, एक ब्रेक। ठीक है, और केस 3 के अंदर अगर नेबर्स हमारे 3 हैं, एग्जैक्टली 3 हैं, तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। नए अगली जनरेशन के अंदर हमें उस पर्टिकुलर रो और कॉलम के जो सेल को अगर वो डेड है तो अलाइव कर देना है, अगर वो अलाइव है तो अलाइव रहेगा। ओके, और इस कंडीशन को कर देंगे हम ब्रेक। बाकी जितनी भी कंडीशंस हैं 4, 5, 6, 7, 8, हमें पता है कि 4 या 4 से ज़्यादा जितने भी केसेस हैं उनके लिए जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में जो उस सेल की जो फ्यूचर होगा वो डेड होगा। ठीक है, क्योंकि वो ओवर क्राउडिंग की वजह से मर जाएगा। केस 4 के अंदर केस 5 भी, केस 6 भी, केस 7 भी एंड केस 8, सबके अंदर क्या होगा, जो न्यू मैप है रो और उसका कॉलम सब डेड, वो पर्टिकुलर जो कॉलम रो और कॉलम का सेल है वो डेड हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको कर दिया हमने ब्रेक। सो ये हमारी पूरी कंडीशन हो गई। ठीक है, हम डिफ़ॉल्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी क्योंकि हमारा फंक्शन कभी उससे ज़्यादा वैल्यू रिटर्न ही नहीं करेगा। नेबर काउंट को हम इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि वो कभी रिटर्न भी नहीं करेगा, लेकिन अगर वो कर देता है तो उसके लिए भी हम एक सुविधा रखते हैं हमारी, कि हम उस कंडीशन में ये करा देंगे कि प्रिंट एफ only 8 possible number of neighbor can be AIGST 8 not more than this। सो ये हमारी पर्टिकुलर डिफ़ॉल्ट कंडीशन है। अगर ये इनमें से कुछ भी नहीं होता है तो ये पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ये कॉल हो जाएगी। तो होप यू हैव अंडरस्टूड वन मोर थिंग, स्विच हेयर। ओके, अब हमें इस पर पूरे लूप से बाहर इन दोनों ही फोर लूप से बाहर हम एक और चीज लिख रहे होंगे, कॉपी मैप। ये जो कॉपी मैप फंक्शन है वो हमारा कॉपी कर लेगा जो न्यू मैप है उसको पुराने मैप के अंदर कॉपी कर देगा। जो न्यू मैप हमें पता है एक मैट्रिक्स है जो कि शुरुआती डेटा स्टोर करके रखी हुई थी, जो कि हमने यूजर से लिया था, जो प्रेजेंट की जो जनरेशन है उसका डेटा है उसके अंदर, और न्यू मैप जो कि इस पर्टिकुलर कोड की वजह से रीजनरेट हुई है, तो वो हम मैप के अंदर डाल देंगे। ठीक है, हर जनरेशन में हम न्यू मैप बना रहे होंगे, अपडेट कर रहे होंगे, और लास्ट में उसको कॉपी करवा देंगे मैप के अंदर में। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम राइट करेंगे, ऑफ कोर्स राइट फंक्शन जो कि हमने ऊपर भी किया था। राइट फंक्शन कुछ नहीं है, बस मैप को हम राइट करवा रहे हैं, तो दो फॉर लूप लगाकर हम इसको राइट करवा देंगे। फिर हम यूजर से पूछेंगे फिर से कि भैया क्या आप अगले जनरेशन में जाना चाहते हो। जैसे कि देखो वो स्टार्ट और उसका बटन था ना, लेकिन यहाँ पर ये हमसे आगे पूछ के बढ़ेगा कि अगले जनरेशन में जाऊं या नहीं जाऊं। ठीक है, विश डू यू विश टू कंटिन्यू व्यूइंग the new generation। okay, and here sorry guys, मैंने यहाँ पर ये दिया नहीं था तो आप ये दे दीजिए, तभी ये मेरा एरर आ रहा था। तो ये हो जाएगा while, क्योंकि ये डू वाइल है तो यहाँ पर वाइल के अंदर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे यूजर से यस। तो हम यूजर से इनपुट ले रहे होंगे क्योंकि ये हर बार प्रिंट होगा, और इसमें यूजर से हम पूछेंगे कि क्या वो अगले उसमें जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है। तो यूजर से यस आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, जिसकी मदद से ये अगली जनरेशन में जाएगा या नहीं जाएगा उसका फैसला होगा। ठीक है, सो दिस इज इट गाइस, दिस इज इट। तो इस पर्टिकुलर इसमें हम इतना ही कर रहे होंगे, और ये सारा हमारा स्टब है क्योंकि हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट नहीं पता, हमें कोई भी फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इसके अंदर नहीं पता। और एक प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल है गाइस, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल क्या है गाइस कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, मैं इसको नीचे कमेंट करके लिखता हूँ, implementation part should be different from or should be separated, I should write should be separated from the application part। तो ये एक बहुत ही important programming principle है guys, आप इसको याद रखिए, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कोड। अब हम life.h को बनाते हैं। तो life.h जैसा कि मैंने बताया था गाइस आपको कि पूरा आपका वही फंक्शंस हैं जो कि हमने यहाँ पर यूटिलाइज किए हैं, उन सारे फंक्शंस की कहानी है यहाँ पर। तो वन बाय वन करके हम उनको सबको यहाँ पर बना रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने मैक्स कॉल वहाँ पर मेन में यूज़ किया था। तो डिफाइन मैक्स रो एंड कॉल हमने यूज़ किया था जब हम मैट्रिक्स बना रहे थे, एक अरे बना रहे थे। तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, आप 3 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइज। तो मैं 3 लेकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, फ्यूचर में हम और भी ले लेंगे। ठीक है गाइज, एक बार सिर्फ छोटे छोटे केस लेकर हम उसको चेक कर रहे होंगे, फिर बाद में हम बड़े भी ले सकते हैं, 20, 60, 1000 कितने भी ले सकते हैं हम, वो पूरी स्क्रीन के लिए ले सकते हैं। लेकिन छोटे से हम समझ जाएंगे, टेस्ट कर लेंगे, छोटे डेटा के ऊपर हम टेस्ट कर सकते हैं कि अगर वो छोटे डेटा के ऊपर सक्सेसफुल हो रहा है तो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी है कि बड़े के ऊपर भी वो होगा। लेस प्रोबेबिलिटी है लेकिन हो जाएगा, मतलब लगभग हो जाना चाहिए। तो देखते हैं, डिफाइन मैक्स कॉल, तो यहाँ पर हम 6 कर देते हैं। लिख दो, इन दोनों के बारे में ये लिख दो आप गाइस, ये है मैक्सिमम रो, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है गाइस। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ग्लोबल वेरिएबल के आगे हम ये नहीं लगाते हैं, मैक्सिमम आप मेरे से पूछोगे कि सेमीकोलन क्यों नहीं लगाया भैया यहाँ पर, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल के आगे सेमीकोलन नहीं लगता है। फिर हमारा एक स्टेट करके एक फंक्शन है जो डेड और अलाइव है, तो हम उसके लिए टाइप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है क्योंकि वो स्टेट state and then type. यहाँ पर आप समझ गए होंगे गाइस कि डेट का मतलब है जीरो, क्योंकि इन्यूमरेशन है। इन्यूमरेशन में हम ये जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इनकी वैल्यूज होती हैं कि अगर हम जीरो और वन नहीं दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो जीरो से स्टार्ट करता है। पहले वाले की जीरो होती है, दूसरे वाले की वन होती है। ये पूरा उसकी तरह ही है, स्ट्रक्चर की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर हम दो वेरिएबल डिफाइन कर रहे होते हैं और उनकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले वाले की जीरो होगी, दूसरे वाले की वन हो जाएगी। अगर आप इन्यूमरेशन के बारे में और जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिर मैंने ये स्टेट जो इन्यूमरेशन, इसके अंदर स्टेट के अंदर दोनों इन्यूमरेशन ही होंगे, तो इसकी एक इस डेटा टाइप की मैं एक ग्रिड बना रहा हूँ। अब आप कहोगे ग्रिड क्या है, तो मैं उसको भी कॉमन डॉट एच के अंदर मैंने ग्रिड डिफाइन कर रखा है गाइज। सॉरी, कॉमन डॉट एच के अंदर तो नहीं है, मैंने ग्रिड को शायद नीचे डिफाइन कर रखा है, तो मैं ग्रिड के बारे में और आपको बता दूंगा अच्छे से। मैक्स रो प्लस टू, वही मैक्स कॉल प्लस टू, ओके। ये प्लस टू लेने का कारण गाइज यहाँ पर ये है कि क्योंकि हम मैंने बताया था ना लास्ट जो होता है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। एक जगह पर मैंने बताया था कि लास्ट जो बाउंड्री होती है उसको हम हैज भी बोलते हैं, तो उसके लिए हमें दो एक्स्ट्रा छोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा ना कि हमारा जो सेल है वो मूव करता करता कहीं बाउंड्री तक ना पहुंच जाए, तो बाउंड्री की कंडीशंस फिर फुलफिल ही नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए हमें दो एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे, तीन से अगर तीन है तो हमें उसके लिए छः रखने पड़ेंगे, सॉरी 5 रखने पड़ेंगे, वहीं 6 है तो उसके लिए 8 रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सवाल बाउंड्री का है। दो एक्स्ट्रा हमने दोनों तरफ की बाउंड्री रखी है, कॉलम की तरफ की भी बाउंड्री और रो की तरफ की भी बाउंड्री, सो दोनों साइड में। अगर मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ तो लेफ्ट लाइक जो लेफ्ट मोस्ट है उस वो कॉलम भी, पर्टिकुलर कॉलम भी, और जो राइट मोस्ट है वो एक वो, तो एक और एक दो, वैसे ही अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट, तो इन दोनों रो की बात, तो ये दो हो गया, ठीक है। फिर हो गया मेरा void, एक फंक्शन जो कॉपी मैप था उसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कॉपी मैप। इसके अंदर क्योंकि हमें ग्रिड को ही हम पास कर रहे हैं, तो ग्रिड हमारा, आपको समझ में आ गया ग्रिड क्या है? एक अरे है बेसिकली, किसकी अरे है? ये स्टेट की अरे है, ठीक है। तो ग्रिड एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप तो बन रहा है, ग्रिड टाइप का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रिड। ये मैंने एक यूजर डेटा डिफाइंड डेटा टाइप बना दिया है ग्रिड का, क्योंकि जब भी मैं ग्रिड को अब कॉल करूँगा तो इसका मतलब है कि वो 2D अरे है, ठीक है। तो अब ग्रिड नाम का जो भी फंक्शन बनेगा ये मैं लिख देता हूँ इसके बारे में गाइस, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। तो ग्रिड इट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ओके। तो बेसिकली इट इज एन अरे, 2D अरे, अरे, सो जिसकी मैक्सिमम साइज होंगी मैक्स रो एंड मैक्स कॉलम +2 +2, तो उसका कारण मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं ग्रिड डेटा टाइप का एक 2D अरे यहाँ पर और ग्रिड का एक और न्यू मैप, तो बेसिकली दो मैट्रिक्स मैंने इस फंक्शन में भेजनी है। इसका ये रिटर्न करेगा void, क्योंकि हम सिर्फ कॉपी कर रहे हैं इस पर्टिकुलर जगह पर, तो मैं इसको लिख देता हूँ कि इस जगह पर इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ। इट विल कॉपी द अपडेटेड ग्रिड न्यू मैप इनटू मैप, ओके। तो इसी फंक्शन को अब मैं ओवरराइड करता हूँ गाइज, सो कॉपी मैप के अंदर कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, हमें सिर्फ एक एक को कॉपी करना है यहाँ पर। तो मैं दो लोकल वेरिएबल ले लेता हूँ इसके, रो एंड कॉल, ठीक है, इसके लोकल वेरिएबल है इस पर्टिकुलर फंक्शन के। सो फॉर रो इक्वल टू 0 और रो मैक्स, क्योंकि गाइज मैंने बताया था आपको कि ये सिर्फ हम कॉपी करा रहे होंगे कहाँ तक, मैक्स रो तक, ठीक है, +1 तक, हमें वहाँ तक ही सिर्फ इसको कॉपी करवाना है, रो को, उससे आगे हमें नहीं जाना है। सॉरी, देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, सेमीकोलन लगाना है, ठीक है, और रो को ++ करना है, क्योंकि अगर हम हेजेस पे जाएंगे तो हमारा जो सेल है वो बाउंड्री से बाहर कभी जा ही नहीं पाएगा। तो उसको बाउंड्री के पास आते ही वो सेल कैसे बिहेव करेगा, कैसे वो अगली जनरेशन में जाएगा, उसके लिए हमें वो चीज़ करनी पड़ रही है, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए गाइस। वो चीज़ आपको अगर नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको और अच्छे से एक और सेपरेट वीडियो बनाकर उसके बारे में समझा दूँ। तो ये हम यहाँ पर मैप के अंदर कॉपी करना है। तो इट विल कॉपी द अपडेटेड ग्रिड, जिसको हम न्यू मैप कह रहे हैं, उसको हम मैप के अंदर अब बस कॉपी करवा रहे हैं, ठीक है। फिर अगला जो हमारा फंक्शन है, सॉरी गाइस, ये दिस इज नॉट कैपिटल, दिट हैज़ टू बी MAP मैप, ओके, नहीं तो एरर दिखाएगा आपको। अगर आप उसको नहीं भी डिक्लेयर करेंगे तो भी वो एरर नहीं आएगा, क्योंकि टाइप डेफ हो चुका है यहाँ पर ही। तो ग्रिड अपने आप में एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बन गया है, ठीक है, क्योंकि स्टेट एक पहले से ही यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप ऊपर बन चुका था, जिसके अंदर स्टेट 2 ही वेरिएबल स्टोर हो सकते हैं, अलाइव और डेड की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 और इसकी 1 होगी। अगर मैं यहाँ पर इसको नहीं भी देता हूँ तो भी वो 0 ही होगी, ठीक है। तो अगला फंक्शन हम देखते हैं। अगला फंक्शन मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ बुलियन जो यूज़र से यस है। सो यहाँ पर बुलियन, अब आप गाइस कहोगे कि बुलियन तो कोई डेटा टाइप होता ही नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं होता गाइस, लेकिन मैं यहाँ पर बुलियन को मैंने एक डेटा टाइप बना रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं common.h को के अंदर ये सब चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें लिख सकता हूँ, ठीक है, कि बुलियन क्या है मेरा, ये सब क्या है, किस तरीके से काम करेंगे, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, क्या वो रिटर्न करेगा, ठीक है। यूज़र से फंक्शन में हम कुछ भी, हमें एज ए पैरामीटर नहीं पास करना है। तो फिर है इंट सी, एक वेरिएबल के एज ए ले लेते हैं हम इंट सी, फिर प्रिंट एफ, उसके अंदर हम यूज़र से पूछेंगे यस और नो, हम उसे क्वेश्चन कर रहे होंगे कि यस और नो का फिर डू करके जब तक कि वो एक करेक्टर इक्वल टू वो नहीं हो जाता सी हमें लेना है, और फिर बाद में उस पर्टिकुलर को एंटर भी लेना है। जब तक वो एंटर नहीं मार देता तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो सी हम यूज़र से लेंगे यस और नो, और फिर बाद में एंटर हमें चाहिए। जैसे ही वो हो जाए सी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और हमारा एंटर जैसे ही होते ही ये इस पर्टिकुलर लूप से बाहर निकल जाएगा, वाइल से बाहर निकल जाएगा। अब हम एक कंडीशन, यहाँ पर जो लॉजिक है वो आप ध्यान से देखिएगा गाइस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है। अगर सी इक्वल टू अगर वो कैपिटल वाई के इक्वल है, या फिर वो इक्वल है बड़े वाई के इक्वल है, ठीक है, या फिर वो इक्वल है तुम्हारा छोटे उसके लिए छोटे एन के, या फिर वो इक्वल है बड़े एन के। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार इंट, ये तो इंट है और इसके अंदर मैंने करेक्टर कैसे स्टोर करवाया। तो गाइज ये है कॉन्सेप्ट ऑफ जो टाइप कास्टिंग का। तो प्लीज़ अगर आपको वो नहीं पता है तो आप जाके देखिए, नहीं तो आप कमेंट कर दीजिए। इसके अंदर मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो मैं रिटर्न करूंगा सी इक्वल्स टू वाई ओनली, या तो ये और सी इक्वल टू कैपिटल वाई। तो व्हाट इज इट मीन, लाइक अगर ये हुआ, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, अगर वो वाई है, इफ़ इट इज़ ट्रू सो इट विल गिव ट्रू ओनली। अगर वाई है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। इसका मतलब क्या है, सी इक्वल टू वाई मीन्स ट्रू, ओके। सी इक्वल टू बड़ा कैपिटल वाई है, ये भी ट्रू है। तो ट्रू आपको पता है 1, और 1 जो होता है वो इक्वल टू 1 ही होता है। या फिर अगर 1 + 0 की बात करूं वो भी 1 ही होता है, ठीक है। तो और गेट के बारे में हमें पता है, तो लॉजिकल और है बेसिकली ये, ठीक है। तो अगर वाई की कंडीशन है तो वो और ये 1 रिटर्न करेगा, अगर या तो वाई है या कैपिटल वाई है। वहीं अगर एन या कैपिटल एन होगा तो उस कंडीशन में ये 0 होगा, तो रिटर्न 0 होगा। तो बूलियन बेसिकली रिटर्न 0 होगा। तो ये हमारे कोड लिखने की तरीके होते हैं कि उसमें हम ये बहुत छोटा कोड और लॉजिक जो हमारे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए इस पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है। तो हमें कोड ये पर्टिकुलर जगह देखते ही समझ में आ जाएगी अगर हमारे लॉजिक स्ट्रॉन्ग है कि इस पर्टिकुलर जगह पर हो क्या रहा है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है गाइस। मैं इन सब के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको और अच्छे से समझा सकता हूँ, लेकिन वही है गाइस कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस और कीजिए। यहाँ मैंने वाइल लगाना था, क्योंकि ये पर्टिकुलर जगह जब तक मैं यस डाल रहा हूँ, अगर मैं यस और नो के अलावा कुछ और डाल रहा हूँ तब तक वो क्या करेगा, तब तक वो मेरे से पूछता ही रहेगा, ये चीज़ पूछता रहेगा बार बार कि यस है या नहीं है। फिर यस डालने के बाद में अगर मैंने कोई भी करेक्टर डाला फिर बाद में ये उससे बाहर आ जाएगा और रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक इन्फिनिटी लूप बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही यस और नो हम डालेंगे वो पर्टिकुलर सिचुएशन कॉल हो जाएगी। उसके अलावा ये फिर से पूछेगा आपसे, फिर से आपसे वही क्वेश्चन करेगा कि अगर यस और नो के अलावा कुछ और है तो ये फिर से वही क्वेश्चन आपसे करेगा, और आपको बदले में ये कहेगा एक और चीज़, अगर यस और नो नहीं है, वाई और एन नहीं है, तो उसके बदले में ये कहेगा कि प्लीज रिस्पॉन्ड बाय टाइपिंग वन ऑफ द लेटर्स y और n, ओके। तो ये मैसेज देगा और फिर से यूजर से पूछेगा वो कि आप बताइए, हमें फिर से इनपुट दीजिए। अगर आपका इनपुट y और n के अलावा कुछ और है तो ये मैसेज प्रिंट होगा, वरना वो रिटर्न पहले ही कर देगा, यहाँ तक नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है गाइस। तो होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो ये हमारा एक और फंक्शन हो गया। अब हम अगले फंक्शन में आते हैं। अगला फंक्शन जो हमारा है वो है राइट मैप। तो राइट मैप के अंदर हम देखेंगे क्या कर रहे हैं हम। void right right map इसके अंदर इंट रो हम दो लोकल वेरिएबल बना रहे हैं। ये मेरी ग्रीड की स्पेलिंग गलत होगी, लोकल वेरिएबल बना रहे हैं कॉल। गाइज मैं ये जो यहाँ ग्रिड लिख रहा हूँ इससे कंफ्यूज मत होइएगा, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। अगर आप आईडी यूज़ कर रहे हो तो आपको सारी डेफिनेशन बता देगा कि ग्रिड किसका पार्ट है, स्टेट है। इट इज़ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, इट इज़ एंड 2D अरे। तो ये आपको पूरा डिफाइन कर रहा है कि इसकी साइज़ है 5 और 8। ठीक है, आप देख पा रहे हो। फिर बाद में ये पुट कैर करके हम पुट कैर करेंगे और 2 स्पेस देंगे। ये एक गेट कैर और पुट कैर 2 फंक्शन होते हैं। एक्सक्यूज मी गाइस। सॉरी, क्योंकि मैं सिंगल कैरेक्टर दे रहा हूँ तो आई शुड गिव सिंगल कोट यहाँ पर। ये चीज़ ध्यान में रखने की बात है गाइस। वरना ये काम नहीं करेगा, तो सिंगल कोट देने की ज़रूरत है क्योंकि हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देन 4 हम, क्योंकि हम राइट मैप कर रहे हैं तो हमें 2 लूप लगाने पड़ेंगे, एक तो रो के लिए और एक कॉलम के लिए। तो रो स्टार्ट होगा 1 से, क्योंकि हम एक जो 0 वाली रो है उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, उसे प्रिंट करवाने का कोई फायदा भी नहीं है बेसिकली। और हम स्टार्ट करेंगे रो 1 से, क्योंकि जो 0 और लास्ट जो रो है वो पर्टिकुलरली किसके लिए है, बाउंड्री है एक तरीके से। वो एक्स्ट्रा कन्वेंशन है हमारे जो बाउंड्री के जो वो होते हैं सेल्स हैं उनके लिए। ठीक है, उनके लिए उनको नेक्स्ट कंडीशन नेक्स्ट उसमें लाइव रहना है या मरना है, उनके लिए एक कन्वेंशन है बेसिकली। कॉल प्लस प्लस देन अब हम एक कंडीशन रखेंगे यहाँ पर, इफ मैप रॉ। क्योंकि देखिए गाइज हमें एक यूजर को भी दिखाना पड़ेगा ना, कि हमें आउटपुट में दिखाना पड़ेगा कि हम बेसिकली हो क्या रहा है। तो अलाइव है तो हम प्रिंट करवा देंगे, पुट कर देंगे पुट कैर। पुट कैर भी एक प्रिंट एफ की तरह ही फंक्शन होता है, लेकिन इसके अंदर हम बेसिकली एक ही करेक्टर पास कर रहे होते हैं। तो हम स्टार और डैश से जो हाइफन अंडरस्कोर है उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टार जो है वो लाइव अलाइव जो सेल है उसको रिप्रेजेंट करेगा, और वहीं जो डेड सेल को है वो अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर से ना करके इसको माइनस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ इसके बाद में मैं हर एक, जैसे ही मेरी कॉलम पूरी हो जाती है, हर एक रो के बाद में मेरे को एक नेक्स्ट लाइन के लिए मैं एक और कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट लाइन के लिए कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा पूरा पूरा राइट हो गया, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर ये या तो हमारा स्टार या तो माइनस प्रिंट होगा। जैसे ही ये एक कॉलम खत्म होगी, एक पूरी रो खत्म होगी, एक रो के लिए जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स है, अगर उन सब के लिए ये प्रिंट हो जाएंगे। जैसे ही हम दूसरे में आएंगे तो नेक्स्ट लाइन के लिए हमने नेक्स्ट लाइन करेक्टर जो है वो यूज़ किया है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। फिर आप अगला जो फंक्शन है हमारा है नेबर काउंट। तो इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो ऑफ कोर्स इंट होगा। आई, तो आई हमने बनाया है रो ऑफ ये वार्ड नेबर ऑफ सेल, कोई भी सेल के जो रो हैं उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम रो और कॉलम तो नहीं ले सकते क्योंकि वो सेम हो जाएगा। ये जो रो और कॉलम है ये पर्टिकुलर मैप के अंदर बता रहे हैं कि कौन से रो और कॉलम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम एक और जो हमारा इंट है जे है वो हम लेंगे। तो बेसिकली हर एक रो के पास, हर एक सेल के पास में हम जितने भी आठों हमारे नेबर्स हैं उनको चेक करना है हमें, ठीक है। तो ये कॉलम वाला पार्ट है उसका, कॉलम ऑफ नेबर सेल। नेबर सेल के जितने भी कॉलम हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सेल जो हमने पास किया है, सेल का यहाँ पर क्या डेटा है, सेल का यहाँ पर आया है कि रो और कॉलम, ठीक है। तो उस रो और कॉलम के इर्द गिर्द जितने भी नेबर्स हैं उसकी रो और कॉलम को हम आई और जे से हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। फिर हम एक लोकल वेरिएबल ले लेते हैं काउंट, उसको इनिशिएट कर देते हैं 0 से, ठीक है। तो इट इज़ अ काउंटर ऑफ लिविंग नेबर, एक तरीके से काउंटर हो गया है। फिर फॉर लूप लगाकर हमने क्या किया, आई इक्वल्स टू रो माइनस 1, फिर आई इज लेस देन, क्योंकि आई जो है वो, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर रो और कॉलम जो हमने पास किया उसके बारे में जब हम पूछ रहे हैं तो उससे एक पहले वाला रो वहां से स्टार्ट करना और कहाँ तक जाना है, उस रो से एक ज़्यादा वाला, तभी तो वो 8 होंगे। तो एक उससे छोटा, वहीं कहाँ तक जाना है हमें, उससे बड़े तक, उस पर्टिकुलर रो से बड़े तक हमें जाना है। वैसे ही कॉलम में भी यही होगा कि 4 कहाँ से स्टार्ट करना है, जे इक्वल्स टू कॉल माइनस 1, एक कम से, और कहाँ तक जाना है कॉल प्लस 1, क्योंकि हम 8 की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ उन 8 को ही चेक करना है, हर एक रो के 8 को ही चेक करना है हमें, ठीक है। इफ जो मैप है तुम्हारा आई और जे, अगर वो इक्वल टू अलाइव है, ठीक है, तो आप काउंट कीजिए प्लस प्लस। एक और चीज गाइस, हमें एक और चीज़ यहाँ पर लगाने की ज़रूरत है कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो कंडीशन होगी वो एक और चीज़ के लिए होगी कि अगर वो पर्टिकुलर रो और कॉलम अलाइव है जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं, अगर बात उस पर्टिकुलर रो और कॉलम की हो रही है यहाँ पर, तो उसके लिए तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अगर हमने एक नेबर गिन रहे हैं हम, और नेबर के साथ साथ हमने उस पर्टिकुलर सेल को भी अगर गिन लिया, तो क्योंकि ये तो गिनेगा, ये तो सबको गिनेगा, आठों ने ये 9 के 9 को गिनेगा, ये जितने भी अलाइव सेल्स है सबको गिनेगा। तो हमें एक चीज और यहाँ पर ध्यान में देने वाली बात है कि रो और कॉलम जो हमने भेजा है, अगर वो पर्टिकुलर सेल अगर अलाइव है तो हम हमारे काउंट के अंदर जो एक्स्ट्रा काउंट हो गया था गलती से, उसको हमें न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। काउंट माइनस माइनस कर दिया और लास्ट में हमने क्या किया, रिटर्न किया। रिटर्न किया किसको, काउंट को। तो ये हमारा काउंट रिटर्न हो गया यहाँ पर, ठीक है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव डन। फिर हमारा अगला जो फंक्शन है वो है इनिशियलाइज। सो इनिशियलाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमें इनिशियलाइज करना है। तो ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है गाइस। सो वॉइड इनिशियलाइज, इसके अंदर ऑफ कोर्स हम ग्रिड पास कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स पास कर रहे हैं जिसका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है ग्रिड, और इंट रो एंड इंट कॉलम। सो बेसिकली दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेल। आप लिख सकते हो इसको बेसिकली कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेल। प्रिंट ऑफ करवाओ एक कंडीशन, द प्रोग्राम is simulation of the game of life, ठीक है। जो हमारा प्रोग्राम है वो एक सिमुलेशन है, तो इसके अंदर the grid has size, हम ग्रिड की साइज बता दें गाइस क्या है, जो मैक्स रो और कॉलम हमने डिफाइन की थी वही ग्रिड की साइज है। तो चूंकि हमने 2% यहाँ पर परसेंटेज डी यूज़ किए हैं, तो पहला तो है मैक्स रो के लिए मैक्सिमम रो साइज वो बताएगा, क्योंकि यूज़र जब इनपुट देगा तो वो इसी रेंज में होकर देगा। सॉरी गाइस, ये दूसरा कॉलम के लिए है। ये हो गया आपका। फिर है आपका फॉर लूप, तो हमें सारे उसके अंदर मूव करवाना है और हर एक कंडीशन के लिए हमें पूछना है। तो सबसे पहले हमें सबको डेड करना है गाइज, सबको डेड करेंगे और फिर बाद में हम यूज़र से इनपुट लेंगे। नहीं तो अगर हम सबको डेड नहीं किए तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है उसके अंदर रहेगी, ठीक है। तो सबको हमने डेड करना है, तो 0 रो छोटा और इक्वल टू है मैक्स रो +1, जितने भी हैं गाइज यहाँ पर बाउंड्री भी इंक्लूडेड है, सबको हमें 0 डेड करना पड़ेगा, सारे जितने भी हैं, क्योंकि आप देख रहे थे उसके अंदर सब ग्रे थे, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट। और फिर हम एक एक करके इनपुट दे रहे थे, जो मैंने आपको रूल्स बताया था उस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि सब डेड थे, ठीक है, सब ग्रे थे। डेड वहाँ पर जो रिप्रेजेंट था वो था ग्रे कलर, ठीक है, और येलो कलर उसको अलाइव को रिप्रेजेंट कर रहा था। सबको हमने कर दिया डी ई ए डी डेड। तो आपको पता ही है डेड मतलब क्या होता है यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ सेट ऑल सेल्स पी टी वाई एम टी इंक्लूडिंग जो बाउंड्रीज है वहाँ पर यहाँ पर बाउंड्रीज को हम हेजेस बोल रहे हैं, इंक्लूडेड हेज। ओके फिर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ। हम एक और चीज प्रिंट करेंगे कि ऑन ईच लाइन गिव अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स फॉर लिविंग सेल। Terminate list with the special pair. This is nothing, just an 0 0। अगर आपको टर्मिनेट करना है तो आप 0 0 दे दीजिए, वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी हम कोड करते रहेंगे। देखो अपने आप कुछ नहीं होता है, सब अपन को कोड करना पड़ता है। ठीक है, अब हम कर लिए स्कैन की मदद से दोनों को स्कैन। तो परसेंटेज डी और परसेंटेज डी लगाकर हम दोनों को कर लिए स्कैन। ठीक है, तो उन दोनों को किस में डालें, रो एंड कॉलम में। ठीक है, फिर हमने लगाया व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप लगाएंगे जब तक कि आपका रो एंड कॉलम 0 नहीं हो जाता, दोनों 0 नहीं हो जाते तब तक ये आपका, जब तक ये दोनों 0 नहीं है तब तक ये लूप चलता रहेगा। अगर जैसे ही ये दोनों 0 हुए तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू 0 और कॉलम आपका नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 तो आपका वो है ना, मैंने आपको बताया था हैजेस में आ जाता है। तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं होनी चाहिए। ये टर्मिनेशन पॉइंट हो गया यहाँ पर कि चेक टर्मिनेशन कंडीशन, क्योंकि बाउंड्री के ऊपर कुछ थोड़ी ना होता है, इसीलिए हमने 0 0 को वो रखा है, टर्मिनेशन कंडीशन रखा है कि बाउंड्री के ऊपर हमें कुछ नहीं देना है। रो इक्वल टू है 1 के एंड इस कंडीशन को ध्यान से देखिए। अगर रो आपकी छोटी है और इक्वल टू है मैक्स रो के एंड कॉल भी, अगर आपका कॉलम भी अगर बड़ा है इक्वल टू है 1 के एंड कॉल आपका छोटा है और इक्वल टू है मैक्स कॉल के। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी कहानी चल रही होगी ये रो 1 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम रो तक जाएगा, वहीं कॉलम 1 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम मैक्स कॉल तक जाएगा। यहाँ पर आपको याद होगा कि मैंने 2 एक्स्ट्रा इसके अंदर अपेंड किए थे, मैक्स को कॉल +2 किया था जब मैं ग्रिड बना रहा था। तो उसका कारण यही था कि मेरे को जो बाउंड्री है हेजेस है उनको सिर्फ एक कंडीशन को फुलफिल करने के लिए लेना है, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं होगा। न तो हम उसको इनपुट में यूज़ करेंगे, न कोई उसके अंदर इनपुट देगा। जैसे अगर हम इनपुट दे रहे भी होंगे तो एक तरीके से टर्मिनेट कंडीशन के ऐसे काम करेगा हमारे लिए। ठीक है, कैपिटल दे दिया, स्मॉल होगा। फिर इसके अंदर अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर रो और कॉलम को अलाइव कर देंगे। ये यूज़र से पूछा है ना हमने कि कौन सा हमें अलाइव करना है और कौन सा नहीं करना है, तो यूज़र से सिर्फ हम अलाइव के लिए पूछ रहे हैं। जैसे कि हम वीडियो के अंदर देख रहे थे, वहाँ पर क्या कर रहे थे, हम अलाइव के लिए पिंक कलर का हो जा रहा था, तो वो यूज़र ही इनपुट था, बस वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था। और यहाँ पर हम कीबोर्ड की मदद से इनपुट दे रहे होंगे। एल्स में क्या होगा कि अगर ऐसा नहीं है तो कह देगा कि प्रिंट एफ वैल्यूज आर। अब हो सकता है कि उससे ऊपर भी वैल्यू चले जाए, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है इफ वाली, तो क्या कंडीशन होगी, ये वाली। और उसके अंदर हम ये प्रिंट करवा देंगे, फिर से हम यूजर से बोले भैया सही है इनपुट दो ना, ये फालतू इनपुट कहाँ दे रहे हो। और फिर बाद में फिर से हम इनपुट ले लेंगे। तो फिर से हमें अगर इनपुट लेना है तो इसको वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला कॉपी करो यहाँ से और यहाँ पर डाल दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाइल समाप्त। अब अगले में हमें एंटर लेना है यूज़र से, ठीक है। तो जब तक एंटर नहीं हो जाता, यूज़र एंटर नहीं दबाता, तब तक हम इसी लूप में मैं गाइस यहाँ पर एक इनपुट दे के देखता हूँ 4 4 5 का 4 5 4 4 4 3 4 4 4 हो गया मेरा 4 4 हो गया। फिर मैं 5 4 का इनपुट देता हूँ, ठीक है। फिर मैं 5 और 5 का इनपुट देता हूँ, 5 और 6 का इनपुट देता हूँ। फिर मैं टर्मिनेट करने के लिए मैंने आपको बताया था 0 एंड 0 मेरे को टर्मिनेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा इनपुट है। अगर दिस इज़ द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन यू हैव चूज, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। तो ये मैंने एंटर दबाया, ये क्या हुआ, so let's execute it guys। so मैं jcclive.c की मदद से इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए जो मैंने प्रिंट करवाया था, द प्रोग्राम इज अ सिमुलेशन ऑफ द गेम ऑफ लाइफ। द ग्रिड हैज़ अ साइज ऑफ 10 रोज एंड 10 कॉलम्स। ये गाइज आप अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हो इसे, ठीक है। ऑन ईच लाइन गिव अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स फॉर अ लिविंग सेल, terminate the list with the special pair 0 0। ओके, सो मैं यहाँ पर कंडीशन देता हूँ आपके सामने। मैं सबसे पहले 4 4, फिर मेरा 5 3, फिर 5 4 5 5 0 0। ओके, सो दिस इज द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन व्हाट आई हैव गिवन। सो 0 0 देते ही ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा ये नेक्स्ट उसमें आ जाएगा। ये अपनों को देखिए नेक्स्ट जनरेशन दिखा दिया। अब ये कह रहा है कि डू यू विश टू कंटिन्यू व्यूइंग द न्यू जनरेशन, सो यस। सो ये नई जनरेशन है। फिर से अगर मैं यस दूंगा तो ये एक और नई जनरेशन है, यस यस यस। ये देखिए गाइस आप सिमिलर है, आप चाहे से वेबसाइट पे जाके देख लीजिए कि ये जो वो कर रहा था वैसा ही सिमुलेशन है, ठीक है। यस 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 जैसे मैं नो दबाऊंगा बाहर, तो दैट्स हाउ इट डज वर्क. I hope guys you have understood it, and if you have any doubt please do comment and please share this video guys. बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में यार, तो अपने दोस्तों के साथ में, अपने जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में शेयर कीजिए. थैंक यू, हैव अ गुड डे.